सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF के तहत आने वाली सबसे लार्जेस्ट सिक्योरिटी फोर्स CRPF के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भारत की सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जिसे ब्रिटिश शासन काल में 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से स्थापित किया गया था और आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF एक्ट के तहत इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा गया। CRPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इसका प्रमुख उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना है और इसके अलावा इनका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं एवं दंगे फसाद को नियंत्रित करने तथा विशेष परिस्थितियों में इंडियन आर्मी द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस में सहायक दल के रूप में किया जाता है और BSF की स्थापना से पहले 1965 तक भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का दायित्व CRPF को ही सौंपा गया था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और काउंटर इंसर्जेंसी ड्यूटीज के अलावा CRPF ने भारत के आम चुनावों में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और सितंबर 1999 के संसदीय चुनावों के दौरान भी CRPF ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अहम योगदान दिया था और इसके अलावा CRPF को यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी तैनात किया गया है। मौजूदा समय में 239 बटालियंस के साथ CRPF भारत की सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जिसमें टोटल 313,678 एक्टिव पर्सनल्स हैं। CRPF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इनका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी यानी सेवा और वफादारी। CRPF ने लगभग हर युद्ध में इंडियन आर्मी के साथ एक सहायक दल के रूप में अपनी सेवा प्रदान की है और CRPF हमेशा से एनिमीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन आर्मी की सेकंड चॉइस रही है। CRPF की खुद की एक स्पेशल फोर्स यूनिट भी है, जिसका नाम है कोबरा स्पेशल फोर्स यूनिट। कोबरा का मतलब है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। इस स्पेशल फोर्स को 2008 में नक्सलाइट मूवमेंट का सामना करने के लिए CRPF में शामिल किया गया था और अगर आप इस कोबरा स्पेशल फोर्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कोबरा कमांडोज वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CRPF भारत की इकलौती ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसके पास 3 विमेन बटालियंस हैं और इसके अलावा सांप्रदायिक दंगों का सामना करने के लिए CRPF के पास एक स्पेशलाइज्ड रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है। CRPF को स्थापना के बाद से अदम्य साहस और वीरता के लिए 1586 गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें एक जॉर्ज क्रॉस, 3 किंग पुलिस मेडल, एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र, एक पद्म श्री, एक वीर चक्र, 14 शौर्य चक्र, 49 प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल, 192 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, एक युद्ध सेवा मेडल, 5 सेना मेडल, 4 विशिष्ट सेवा मेडल, 1205 पुलिस मेडल, 5 IPMG, 3 जीवन रक्षक पदक और 100 प्राइम मिनिस्टर पुलिस मेडल शामिल हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।